एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। शाही पनीर की ये रेसिपी सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो गाइस आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करना और बताना कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी और आप भी मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है 1 कप फुल क्रीम दूध और 4 से 5 टमाटर, 300 ग्राम लिया है पनीर और साथ में ये मसाला है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नाम लिख के दे दूँगी, आप भी ये मार्केट से आराम से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने मसाला ये लेके रखा हुआ है, इसके अंदर हमें जो फुल क्रीम दूध लिया था उसे हमें मिक्स करना है। इसके अंदर हम सारा दूध ये डाल देंगे। और जब तक हमें इसे मिला लेना है, जब तक कि ये सारे दाने गांठे जो मसाले की पड़ी हुई है ये सारी ख़त्म नहीं हो जाती है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने रख दिया है एक फ्राई पैन गैस के ऊपर। उसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। टमाटर की यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्यूरी बनाकर तैयार कर लिया है ग्राइंडर के अंदर, और यहाँ पर मैं टमाटर को फ्राई पैन के अंदर डाल दूँगी। तो टमाटर का कच्चापन निकल जाने तक हमें टमाटर को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। पनीर को भी मैंने यहाँ पर काट कर रेडी कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं टमाटर भी पक गए हैं और देखिए तेल भी यहाँ नज़र आने लग गया है टमाटर के अंदर से। तो ये देखिए, अभी जो मसाला हमने रेडी करके रखा होता उसे डालेंगे और उन्हें 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें पका लेंगे मसाले को टमाटर के अंदर अच्छे से। तो थोड़ा पानी डाल के इसे भी हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए मसाले को पका लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी ऊपर नज़र आने लग गया है। अब हम डाल देंगे पनीर। तो पानी आप जितना चाहे कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और पनीर डालने के बाद हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके छोड़ देना है। दो मिनट के बाद यहाँ देख सकते हैं पनीर से कितना अच्छा कलर आने लग गया है। तो यहाँ देखिए पनीर बनकर हो गया है रेडी और बड़ा ही टेस्टी पनीर बना था। तो शाही पनीर की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो हम कर देते हैं गैस का फ्लेम बंद और चलिए सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। तो चलिए ये लीजिए। तो देखिए गाइस, शाही पनीर की ये रेसिपी बनकर हो गई है रेडी। तो बड़ी ही आसान और बड़ी ही जल्दी बन जाने वाली, मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी। गाइस आपको बताना कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक बारी से ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर, बड़े और बच्चे ये सभी को पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रेसिपी में नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।